ओके भाई, कुछ दिनों पहले मैंने इस महिला को देखा एंड सडनली अचानक से ये पॉप करने लगी। एंड तो भाई, किसी भी क्यूरियस मर्द की तरह मैंने भी इसका गाना सुना। आई मीन सुना क्या, देखा, एंड दैट वाज प्रीटी मिड। मगर फिर भी ये और भी फेमस होती जा रही थी। आई मीन इसके पास कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, एंड तभी मेरे दिमाग में एक स्पेशल सा सवाल पॉप किया कि मॉडर्न म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स सेक्सी क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एंड मैं जानता हूँ ये बहुत ही बेवकूफों वाला सवाल है, जिसपे हमने अपनी रिसर्च में ये पाया कि पुराने सिंगर्स बहुत ही पहले नॉर्मल दिखते थे। जैसे कि अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही देखे तो जगजीत सिंह, रफी साहब, लता मंगेशकर, ये तो भाई मेरी दादी की जैसी लगती है। एंड इन बातों को लेकर अपन बहुत पीछे ही क्यों जाए, शंकर महादेवन, कैलाश खेर, फाल्गुनी पाठक, अलका याग्निक, दे लुक प्रीटी नॉर्मल। एंड ऐसा सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, ये डिस्पैरिटी वेस्ट में थोड़ा सा और पीछे जाती है। वहां पे लेट 80s या 80s के टाइम पे जो गाने आज हम गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज में या फिर भाई जोकर मूवी में सुनने को मिलते हैं, अगर उनके सिंगर्स को देखे तो आई लाइक पीना कोलाडा से लेकर दैट्स लाइफ तक वे सारे सिंगर्स नॉर्मल दिखते हैं। मगर आज ऊपर वाला रहम करे भाई। अब देखो भाई, इधर सेक्सीनेस के डेफिनेशन हर एक आदमी के लिए अब अलग हो जाते हैं, स्पेशली 2023 में, जिसमें अपन बियॉन्से को तो भाई मैं खूबसूरत मानता हूं मगर उसके आदमी को नहीं। और वैसे भी मैं उसके आदमी पे क्यों नजर डालूं। खैर, कहने का मतलब यह है कि जब से गाने विजुअल होना चालू हो गए, जस्ट लाइक वेस्ट में 80s से अभी तक देख लो, और इंडिया में हाल फिलहाल में देख लो, जहां मेजॉरिटी ऑफ म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स एक विजुअल अपील भी रखते हैं उनमें देखने में, जहां कुछ एक्सेप्शंस भी आज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स जो आज भी डजंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड बनाकर बस अच्छे गाने देना चाहते हैं, जहां कहते हैं कि मेरे म्यूजिक वीडियो मेरे को छोड़ के बाकी किसी को भी डाल देना है। मगर उसी की जगह आइस स्पाइस जैसे सिंगर्स पपराज़ी के सामने ग्राउंड ब्रेकिंग फैशन का प्रदर्शन करके कूल्हे मटका कर फेमस हो रहे हैं, जिसके बाद गाना आता है। अब देखो, इस पे इंटायरली मार्केटिंग एंड मॉडर्न मीडिया को दोष ठहराना भी ठीक नहीं है। समय के साथ साथ कल्चरल नॉर्म्स भी बदलते रहते हैं, सोसाइटी का सेक्सीनेस की तरफ एटीट्यूड भी शिफ्ट हो जाता है, जहां अपने आर्टिस्ट को भी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करना होता है कि अपने प्रेजेंस से वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब खैर, ये कल्चरल नॉर्म्स तो भाई ट्रेंड्स की तरह होते हैं, हर 10 साल में चेंज होते रहते हैं। स्किनी जींस, बैगी, स्लिम फिट, तो भाई ये चेंज होता रहता है। लेकिन अगर साइंटिफिक तौर से भी देखें तो भाई पहले के लोग अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखते थे, जिसके लिए आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस, अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट भी दोषी होता है, जिसके ऊपर डिटेल में वीसॉस ने एक वीडियो भी बनाई है एंड उसमें बताया है कि पहले के लोग अपनी उम्र से काफी बड़े दिखते थे। जस्ट लाइक अगर इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझे तो भाई 1983 में जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप को उठाया था तो वो 24 साल के ऐसे दिखते थे। एंड तुम आज अपने क्रिकेटर्स को देख लो और फिर उनकी एज देख लो, तो ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि एवोल्यूशन ने हम सबको जवान बनाए रखने में काफी मदद की है। एंड हाँ भाई, जब से गाना भाई वीडियो फॉर्म में इंपॉर्टेंट होने लगा तो पहले भाई लोगों का एक ही मोटिवेशन होता था कि भाई वीडियो में प्रेजेंटेबल बने दिखना है, मगर अब आपको विजुअली अपीलिंग भी दिखना है, खुद को बेचना है। एंड इस अपील के दौड़ में जब आप क्लाउड चेजिंग के नशे में आ जाते हो तो आप कुछ ऐसे दिखते हो, जहां पब्लिक डोमेन में अपने अपीयरेंस को प्रदर्शित करना जजमेंट तो क्रिएट करेगा ही, मगर मेरे मायनों में म्यूजिशियंस और सिंगर्स अपने क्रिएटिविटी और बेहतर गानों के लिए जाने चाहिए, ना कि वो कैसे दिख रहे हैं। मगर खैर, ये कोई खराब बात नहीं है कि अगर कोई अच्छे गाने के साथ थोड़ा सा खूबसूरत भी दिखता है, दैट्स लाइक अ चेरी ऑन टॉप। खैर, तुम अपने इस मुद्दे के ऊपर अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि पहले के लोग कम अच्छे दिखते थे तो अच्छे गाने बनाते थे, और आज के लोग अच्छे दिखते हैं और कम अच्छे गाने बनाते हैं। अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ हमने अटैक ऑन टाइटन के फाइनल 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 सीजन की बात की हुई है। जी हां, इसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर देख लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।